हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विभूति ओझा और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा पेंसिल मॉडल करना सिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे नए नए टूल्स और ऑप्शंस के बारे में सीखने को आपको मिलने वाला है। तो पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ और इसको फोकस कर लेता हूँ एफ प्रेस करके। और सबसे पहले तो मुझे इसके सेगमेंट को कम करना होगा। सेगमेंट को कम करना क्यों कम करना होगा? क्योंकि आपके पास जो पेंसिल है, आपके हाथ में जो पेंसिल है, उस हाँ पेंसिल में आप देखेंगे कि 8 साइड हैं, 8 एजेस लगे हुए हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो इसमें कितने हैं एजेस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन ग्रीन लाइन है ना, इसी को बोलेंगे एज या सेगमेंट्स। तो इसमें पॉली सिलेंडर में सबसे पहले राइट टॉप में आ जाएंगे चैनल बॉक्स एडिटर में, और चैनल बॉक्स एडिटर में यहाँ पॉली सिलेंडर वन है। ये जो आया है ये पॉली सिलेंडर वन के नाम से आया हुआ है। अगर मैं दूसरा लेता हूँ तो पॉली सिलेंडर टू देखिए आ जाएगा। तो ये पॉली सिलेंडर वन है और इसका इसका मैंने पिछले वीडियो में सब कवर किया हुआ है, रेडियस, हाइट, सब डिवीजन एक्सिस, सब डिवीजन हाइट। तो इसमें क्या होगा, सब डिवीज़न एक्सिस को हम लोग को चेंज करना है। तो जो एक पेंसिल होता है उसका 8 साइड होता है, तो हम लोग को इसमें 8 साइड लेना होगा। तो मैं जस्ट मिडिल माउस और लेफ्ट ड्रैग करके इसको इसकी वैल्यू कम कर रहा हूँ और ये 8 हो गया। ठीक है, अब पेंसिल ऐसी तो होती नहीं है, तो इसके रेडियस को भी थोड़ा सा कम करते हैं कुछ इतना, और इसके हाइट को इंक्रीज करते हैं कुछ इतना। ठीक है, कुछ हाइट और रेडियस, सब डिवीज़न एक्सिस, ये सब बढ़ाने का बस एक तरीका यही है कि उस पर क्लिक कीजिए और उसको मिडिल माउस कर पकड़ के लेफ्ट और राइट ड्रैग कीजिए। तो ये तो बेसिक सा उसका शेप रेडी होकर के तैयार है, जिसमें कि 8 साइड हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, किसी किसी पेंसिल में शायद 6 भी होते हैं। ठीक है, मैं 6 ले लेता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा है। एट ही ठीक रहेगा, 8 ले लिया हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा ग्रिड से ऊपर ले लेते हैं। अब आते हैं इसके, पहले बनाने पेंसिल बनाने से पहले आप लोग को इसका डिज़ाइन समझना होगा कि पेंसिल का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपके पेंसिल के लिखने वाला पॉइंट रहता है और एक गोल सा शेप रहता है जो कि आगे जा कर के नैरो हो जाता है। तो हमें यहाँ वो बनाना है, और ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर से फूला हुआ रहता है तो उसको बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला बना लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट। तो क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में आएंगे और इसको जूम करके राइट क्लिक और वर्टेक्स मोड पकड़ेंगे और इसको हम लोग को थोड़ा सा ऊपर करना है। अब मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में आता हूँ। प्रोस्पेक्टिव व्यू में देखिए सब सेलेक्ट है, अगर अभी हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये सब सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ सेंटर पकड़ना है। तो फ्रंट व्यू से सेंटर तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव में ही आ जाएंगे। प्रोस्पेक्टिव में सेंटर दिख रहा है, प्रोस्पेक्टिव में आएंगे, सेंटर को पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको कुछ ऐसे कर देंगे, तो ऊपर का शेप आ गया। ठीक है, अब नीचे का पेंसिल बनाना है, तो उसके लिए आएंगे नीचे नीचे आएंगे और नीचे का जितना भी फेसेस है उसको पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं। तो राइट क्लिक फेस, और ये डिलीट हो गया। मैंने ये सब चीज़ पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, कैसे सेलेक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसको डीसेलेक्ट करना है। तो अगर आपने आप लोगों को वो सब चीज़ सीखना और जानना है तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो उसको ज़रूर देखिए। तो अभी ये देखिए फेस सेलेक्ट हो गया प्रोस्पेक्टिव व्यू में, मैं आपको आकर के दिखाता हूँ, ये फेस सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसके राइट क्लिक होल्ड करेंगे और एज मोड में आएंगे और इसके नीचे के सारे एज को
सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्सट्रूड करेंगे। ये जो एक्सट्रूड पार्ट निकलेगा ये पेंसिल का वो वाला पार्ट है जो ग्रेफाइट से थोड़ा सा पहले रहता है, जो कि एकदम सर्कल रहता है और नैरो रहता है, गोल रहता है, कोन 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 शेप का जो रहता है वो वाला पार्ट है। तो इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए एक्सट्रूड का ऑप्शन है, या फिर आप कंट्रोल प्लस ई भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ई कर देता हूँ, एक्सट्रूड हो गया। इसके थिकनेस को आगे बढ़ाएंगे, जस्ट आपको थिकनेस पे क्लिक करना है और ऑफसेट को आगे बढ़ाएंगे और मैं ऑफसेट पे क्लिक करना है और जस्ट इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है। उसके बाद थिकनेस को पकड़ेंगे और थिकनेस को पकड़ करके इसको हम लोग नैरो कर देंगे, ठीक है। देखिए हो गया। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे अपने पेंसिल में, तो पेंसिल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये पूरा शार्प रहता है, ये पूरा एज शार्प रहता है, और पेंसिल का ये वाला पार्ट स्मूथ रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ करके, अगर वो ऑप्शन काम आ गया, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन करेंगे। हम लोग इसको राइट क्लिक आएंगे, फेस मोड पकड़ेंगे और इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मेश टूल में, मेश डिस्प्ले में सॉफ्टन एजेस है, ये सबको सॉफ्ट कर दिया। तो ये ऑप्शन काम नहीं आएगा, मैं आपको फिर से दोबारा से दूसरा बताता हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक एज मोड में आऊँगा और एज मोड में कंट्रोल ई से एक्सट्रूड कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऑफसेट, इसके ऑफसेट को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर आप एक नया ऑप्शन को जानने वाले हैं। देखिए अभी ये सर्कल कंप्लीट सर्कल नहीं है, यहाँ पर अभी शार्प एजेस है, हम लोग को यहाँ पे शार्प एजेस नहीं चाहिए, यहाँ पर हम लोग को स्मूथ चाहिए, क्योंकि पेंसिल का वो वाला पार्ट जो कि कोन शेप में रहता है वो स्मूथ रहता है और ऊपर का पार्ट हार्ड रहता है, हार्ड कॉर्नर्स दिखते रहते हैं, और नीचे का जो कोन वाला पार्ट है वो एकदम सॉफ्ट दिखता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक एज मोड, इस एज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक आएगा सर्कुलराइज। ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक प्लेन ले लेता हूँ, इस पर एफ से फोकस करते हैं और इसको जस्ट, ये देखिए अभी इसको मुझे सर्कल बनाना है, तो मैं जस्ट इस पर क्या करूँगा, इस पर बस क्लिक कर दूँगा, ये देखिए सर्कल बन गया, ये देखिए ये सर्कल बन गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, इसका मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ। अगर मुझे इस प्लेन को सर्कल में कन्वर्ट करना है या फिर इस प्लेन का कुछ भाग ही सर्कल में कन्वर्ट करना है, मैं पहले एक डुप्लीकेट कर देता हूँ, पहले तो ये दिखाता हूँ। अगर मुझे इस प्लेन को सर्कल में बदलना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्कुलराइज, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मेश को या फिर सेलेक्टेड पार्ट को सर्कल कर देता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सर्कल हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको चाहिए कि मुझे कुछ ही पार्ट में चाहता हूँ कि सेलेक्ट हो, तो टॉप व्यू पर आएंगे, कुछ पार्ट को वर्टेक्स, कुछ से वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इतने वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं चाहता हूँ कि ये ही पार्ट अब बस सर्कुलराइज हो, मतलब कि सर्कल में हो, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पार्ट सर्कल हो गया, ये पार्ट सर्कल हो चुका है। अब अगर आपको इसको देखिए, अगर आप टैब होल्ड करके सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये पेंट मोड में आ जाता है। टैब होल्ड करेंगे, अभी देखिए एक तो कि हमको अगर इसको सेलेक्ट करना होगा तो मुझे एक एक पकड़ के सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप टैब होल्ड कीजिए और माउस को ड्रैग करते जाइए, तो ये जस्ट एक पेंट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है और ये पेंट की तरह ये सिलेक्शन होता है। देखिए तो ये सर्कुलराइज, मेश को भी सर्कुलर करता है और किसी पार्ट को अगर आपको सर्कल बनाना है तो उसको भी सर्कुलर करता है। इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और अब मुझे यहाँ के पार्ट को पूरा स्मूथ करना है, पूरा सर्कल करना है, क्योंकि ये अभी पूरा सर्कल नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका शार्प एजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो शार्प एजेस हम लोग को ऊपर में चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसको पकड़ेंगे और वहीं सर्कुलराइज कर देंगे, जस्ट सर्कुलराइज कर देंगे।
ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है इसमें, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये इसमें काम नहीं कर रहा है। इसमें काम नहीं करने का वजह ये है कि इसमें सेगमेंट्स कम है, इसमें सेगमेंट्स कम है, ये 8 सेगमेंट पर ही काम कर रहा है, इस कारण ये काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, और भी ऑप्शंस हैं। देखिए इसमें 8 ही सेगमेंट है, ठीक है, और ये जो प्लेन है इसमें ढेर सारे सेगमेंट्स हैं, ढेर सारे एजेस हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इन चार को अगर मैं पकड़ के और सर्कल करूं तो ये सर्कल नहीं होगा, क्योंकि इसको और सेगमेंट चाहिए। अगर मैं इन तीन को, 6 को पकड़ के करूंगा तो सर्कल होगा, लेकिन वैसा सर्कल नहीं होगा, ठीक। ये देखिए उसी तरह सर्कल हुआ जैसे कि यहाँ पे सर्कल हुआ, इसलिए ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें सेगमेंट कम है। कोई बात नहीं, इसको मैं और स्केल कर लेता हूँ, आर से मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और इसको जस्ट और स्केल कर देता हूँ। फिर से मैं इसको इन कंट्रोल से एक्सट्रूड करूँगा और इसके ऑफसेट को फिर से बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा आगे ले लेंगे और इसको ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंदर दब गया है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कुछ फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं ये पेंसिल बन करके रेडी हो चुका है, ये हमारा पेंसिल बन करके रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे का ये जो पार्ट है पेंसिल का, ये ओपन है, खुला हुआ है, और पेंसिल तो ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये पार्ट को फिल करना होगा। फिल करने के लिए राइट क्लिक, इस एज को डबल क्लिक करके पूरा एज को सेलेक्ट करेंगे और मेश टूल, एडिट मेश में जाएंगे, मेश टूल में, सॉरी, मेश में और फिल होल कर देंगे। फिल होल कर देंगे तो ये पूरा होल फिल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि कलर डालना है। मैं यहाँ पर एक एज डाल देता हूँ, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट रहता है वो ब्लैक रहता है। तो ये मैं मेश टूल में जा रहा हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पर एक एज, एक यहाँ पर एक एज हो गया। अब इसमें मैं कलर डाल दूँगा। तो कलर डालने के लिए देखिए पेंसिल बन करके रेडी हो चुका है, और लेकिन अब ये पूरा पेंसिल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कलर नहीं डला हुआ है। तो मैं कलर डाल देता हूँ। कलर डालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है ना कि मटेरियल असाइन करना पड़ता है, इसको मैं आगे कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं कलर डाल देता हूँ, तो राइट क्लिक और असाइन फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट। उसके लिए सबसे पहले एक उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो राइट क्लिक, फेस मोड, और इस पार्ट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, और अब राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, और इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, और इसको, सॉरी, इसकी वैल्यू को कम कर दे रहा हूँ ताकि इस पर एक ब्लैक कलर आ जाए। इस पर वाइट कलर करना है, इस पर वाइट कलर करना है। तो सबसे पहले इस पार्ट को सेलेक्ट करना होगा, तो राइट क्लिक, फेस मोड, और इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टिव में आ जाएंगे। आप इसको इस पर से भी कर सकते हैं, फ्रंट व्यू से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोस्पेक्टिव व्यू में क्या होता है कि हर एंगल से दिख जाता है। अगर हम लोग 3D में काम कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव व्यू पर भी धीरे धीरे आप लोग को काम करना सीखना होगा थोड़ा थोड़ा। तो राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल और लैम्बर्ट। अब ये वाला पार्ट थोड़ा वाइट होता है तो इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ,
और उसके बाद इस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये फेस मोड में ही था सॉरी, और इस पार्ट को थोड़ा ब्लू कलर दे देते हैं। तो राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल, लैम्बर्ट। ये मटेरियल के बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी मैं कलर जस्ट डाल देता हूँ ब्लू कलर, और ब्लू कलर को थोड़ा सा कुछ इस तरह का कर देता हूँ। और ये आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा। राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल और लैम्बर्ट। और ये आपका कुछ ब्लैक सिल्वर मिक्स रहेगा। और बचा ये कोन वाला पार्ट, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल, लैम्बर्ट, और इसको कलर दे देंगे येलो, और थोड़ा सा येलो की वैल्यू को कम कर देंगे। तो देखिए पेंसिल बन करके रेडी हो चुका है, ऊपर में देखिए ये पेंसिल बन करके रेडी हो गया है। अभी इसमें स्मूथ अप्लाई नहीं है, पेंसिल का नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स मोड को सेलेक्ट करेंगे और एक को पकड़ेंगे और एक को छोड़ देंगे। अब इसमें देखिए सारा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग को प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे। जब भी आपको लगे कि आगे का दिख रहा है पीछे का नहीं दिख रहा है, या फिर टॉप व्यू में आइएगा तो ऊपर का दिखेगा नीचे का नहीं दिखेगा। अगर आपको हर एंगल में काम करना है तो आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाइए। प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी अगर आप धीरे 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 काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टिव व्यू आप हैंडल करना आराम से सीख जाएंगे। तो एक सेलेक्ट करेंगे, एक को छोड़ेंगे, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर एक को छोड़ेंगे, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे, एक को छोड़ेंगे। देखिए अगर आपको काम करते करते बीच में ये एरो आ रहा है, जैसे कि देखिए मुझे ये पार्ट सेलेक्ट करना था और ये बीच में एरो आ रहा है, तो ये एरो को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे तो ये एरो हट जाएगा, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये एरो फिर से आ जाएगा। तो अभी मुझे फिर से देखिए मैं इसको इस पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इस पार्ट को सेलेक्ट कर इसको छोड़ना है, लेकिन मान लीजिए अगर इस पार्ट को सेलेक्ट करना रहेगा तो इस पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए बीच में ये एरो आ रहा है जिस कारण ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा एरो, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। हम लोग को एक छोड़ के करना था तो शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट और शिफ्ट सेलेक्ट, ठीक है। और इसको जस्ट पकड़ करके हम लोग को ऊपर ले लेना है। तो हो गया, ये हमारा पेंसिल बन करके पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।